अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मटर की चाट बनाने जा रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी एक कटोरी मटर है, इसको हमने दो सीटी में गला लिया है, रात में भिगो दिया है, सुबह दो सीटी लगा दी है। ये हमारी मटर गल गई अच्छे से। ये देखिए हमारी मटर एकदम गल गई अच्छे से। ये एक कटोरी हमारी मटर है, ये बड़ा टमाटर है एक कटा हुआ, खीरा है आधा खीरा ले लीजिए, आप अपने अंदाज से खीरा ले लीजिए, एक बड़ा प्याज, हरा धनिया, आधा चम्मच लाल मिर्च, एक हरी मिर्च, आधा चम्मच काली मिर्च, काला नमक, काली मिर्च मिली हुई काला नमक, आधा चम्मच से थोड़ा सा कम नमक, नमक अपने अंदाज से आप ले सकते हैं। ये हमारी अमचूर की खट्टी मीठी चटनी है। ये हरी चटनी, पुदीना और हरा धनिया की चटनी। ये हमारे कॉर्न है, ये हमने कॉर्न लिया है, इसको हमने ये तल लिया है, तल के निकाल लिया है, कॉर्न को हमने तल के निकाल लिया है। ये हमारे सेव हैं, इसको आप महीन सेव भी ले सकते हैं, ये हमने मोटे लिए हैं, मेरे पास मोटे थे, हमने मोटे सेव लिए हैं। आप इसको महीन सेव भी, बेसन के होते हैं ये, महीन सेव भी ले सकते हैं। और ये चाट मसाला है, ये भी हम आधा चम्मच ले लेंगे, इससे फ्लेवर अच्छा आता है, चटपटा आता है। अभी हमने अपना ये बाउल ले लिया है, इस बाउल में हम अपनी एक कटोरी मटर, एक कटोरी बड़ी कटोरी मटर ले लेंगे। इसमें एक खीरा डाल देंगे, हमारा खीरा ये डाल देंगे पूरा। ये एक बड़ी प्याज डाल देंगे, अब ये एक बड़ा टमाटर, ये टमाटर डाल दिया हमने, ये नमक अपने अंदाज से ले लीजिए, आधा चम्मच से थोड़ा सा कम लिया है मैंने, आधा चम्मच काला नमक और काली मिर्च मिली हुई है मिक्स, इससे फ्लेवर भी आएगा। और ये एक हरी मिर्च हमारी है, एक हरी मिर्च लेंगे, ज़्यादा नहीं लेना है। और ये आधा चम्मच लाल सूखी मिर्च लेनी है, और ये हम धनिया ले लेंगे, कटा हुआ धनिया, हरा धनिया ले लेंगे, ले लिया हमने। ये हमने धनिया ले लिया, अभी हम ये डेढ़ चम्मच, ये हमारी अमचूर की खट्टी मीठी चटनी है, ये डाल देंगे, डेढ़ चम्मच डाल, एक चम्मच और डाल लें, इससे फ्लेवर अच्छा आता है खट्टा मीठा। अब ये हमारी हरी चटनी है, ये हम एक चम्मच और ये आधी चम्मच चटनी ले लेंगे, इसमें डाल देंगे। अब ये हमारा चाट मसाला है, ये आधा चम्मच से थोड़ा सा कम डाल देंगे, आधा चम्मच डाल देंगे, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, हमारी चाट और चटपटी हो जाएगी। अभी हम अपने ये गठिया, इसको बोलते हैं सेव, बेसन के ये डोरे से डाल देंगे, और ये हमारे कॉर्न है, इनको हमने तल लिया था, इनको मिला देंगे, इससे कुरकुरी हमारी चाट कुरकुरी हो जाएगी, थोड़े मिला देंगे और थोड़े से हम
अलग रख लेंगे सर, फ्लेवर के लिए, सजाने के लिए बाद में। अभी हम ये हमारी चाट को अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये पूरी चाट को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये हमारी चाट तैयार है बिल्कुल। अब हम इसको प्लेट में निकालेंगे। अभी हम ये प्लेट में निकाल लेंगे। ये हमारी चाट तैयार है। अभी हम इसमें थोड़ा सा धनिया, हरी कॉर्न ऊपर से डाल देंगे, इससे हमारा फ्लेवर भी अच्छा आएगा और खाने में कुरकुरी लगेगी। ये हमारी चाट बिल्कुल तैयार है।